जब हमारी कंपनी की लिस्टिंग शेयर मार्केट में हुई तब श्री केसी महिंद्रा ने कंपनी के कुछ शेयर्स अपने कर्मचारियों के लिए अलग से रख दिए थे। जब कई कर्मचारियों ने उन्हें धन्यवाद पत्र लिखा तो उन्होंने एक मेमो द्वारा उन्हें शुक्रिया कहते हुए लिखा कि पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी चीजें पास होना और भी अच्छा है जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। कहने का अर्थ यह है कि शुरुआत से ही हमने महिंद्रा में कई ऐसी चीजों का समर्थन किया है जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिष्ठा। आज जिस तेजी से महिंद्रा समूह आगे बढ़ रहा है, हमारे जीवन मूल्य और उचित तरीके और भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। जितना हम तरक्की करते जाएंगे उतना हम में से हर एक के लिए ये जरूरी होता जाएगा कि हम अच्छे विचार और अच्छे कामकाज की पहचान बन जाएं। काम करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे उचित तरीके से करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट यानी आचार संहिता वो सब बातें बताती है जिन्हें हमें समझना है और जिसका पालन करना है, ताकि हम अपने व्यवहार को सर्वश्रेष्ठ बना सकें। इसलिए इन सिद्धांतों को पढ़ें और उनका पालन करें। यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को आदर्श के रूप में देखेगा तो हमारा महिंद्रा ग्रुप उन सभी चीजों में अमीर होगा जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। साथियों, आप जानते हैं कि सबसे अच्छी कार भी उतनी ही अच्छी चल सकती है जितना उसे चलाने वाला चलाएगा। अगर चलाने वाला उसे कुशलता से नहीं चलाएगा तो वो अच्छे से नहीं चलेगी। इसी प्रकार से हमारी कंपनी भी हम सभी के द्वारा संचालित है। अगर हम इसे कुशलता से चलाएंगे तो ये सुरक्षित रहेगी और अच्छे से आगे बढ़ती रहेगी। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, 2003 में हमने एक आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। इस कोड ऑफ कंडक्ट के संचालन करने के कारण आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि हमारे देश के बाहर भी हमारी कंपनी को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। इस समय काल में महिंद्रा परिवार काफ़ी बड़ा हो गया है और समय के साथ व्यवसाय के माहौल में भी बदलाव आया है। अतः समय आ गया है कि हम कोड ऑफ कंडक्ट को मॉडिफाई करें ताकि इस विशालता को और नए विषयों को समावेश करके एक इम्प्रूव्ड कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया जा सके। इस नए कोड ऑफ कंडक्ट में हर उस बात का उल्लेख है जिसका हमें अपने कार्य और दूसरों के साथ व्यवहार में ध्यान रखना है, चाहे वो फिर भ्रष्टाचार हो या प्रोडक्ट क्वालिटी, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी हो या हमारा खुद का स्वास्थ्य। हर छोटी बड़ी बात को सम्मिलित किया गया है जिसका असर हम पर पड़ता है। अगर हम ये निश्चय कर लें कि हम सब इसका पालन करेंगे तो उसमें हम सबका निश्चय ही विकास है। लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के न पालन करने से न सिर्फ उसे पर हम सबको और अपनी कंपनी को नुकसान हो सकता है, हमारा नाम बदनाम हो सकता है। तो कहीं भी आपको ऐसा लगे कि कोई इसका पालन ठीक से नहीं कर रहा तो उसे आप प्रोडक्शन यूनिट हेड को रिपोर्ट करें, ज़रूरत पड़ने पर चीफ एथिक्स ऑफिसर से भी संपर्क करें। रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों के नाम गुप्त रखे जाएंगे, मामले की पूरी जाँच की जाएगी और अनुशासनिक कार्यवाही न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होगी, यह मेरा आपसे वादा है। कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसके अनुरूप चलने से हम सबकी प्रगति होगी और उसको फॉलो न करने से दुर्गति। हमने कुछ उदाहरणों को लेकर एक फिल्म बनाई है जो अभी आपको दिखाई जाएगी, और हमने कोड ऑफ कंडक्ट को हिंदी में और अन्य कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी कर दिया है जो एम्प्लॉय रिलेशंस डिपार्टमेंट और प्लांट हेड के पास मौजूद है। अपने खुद की कॉपी लेकर आप उसे अपने पास रखें, ध्यान से पढ़ लें, ज़रूरत पड़ने पर सवाल पूछें और उसको पूरी तरह से अनुसरण करें। आइए तो हम सब ये प्रतिज्ञा लें कि हम इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे ताकि कंपनी, हमारे साथी और हम सब आगे बढ़ते रहें।
धन्यवाद। ढूंढ रहे हो? कौन हो तुम? मैं एथिकेट, तुम्हारा दोस्त। अच्छा, मेरा टूल छुपा दिया, काम नहीं करने दे रहे और दोस्त बोल रहे हो। हाँ, पहले वो होस की क्लिप जो ढीली है उसे टाइट करो, फिर देता हूँ तुम्हारा टूल। अरे थोड़ा सा ही ढीला है बस। हमारा सीओसी कहता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी में थोड़ा भी समझौता नहीं होना चाहिए। महिंद्रा में हम कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं। अरे टारगेट भी तो पूरा करना है। जानी, टारगेट से काम करना अच्छी बात है, पर क्वालिटी की कीमत पर नहीं। क्वालिटी का मतलब है कि हर काम को पहली बार ही ठीक करना है और हर बार भी ठीक करना है। इससे बाद में होने वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और टाइम भी बचेगा, काम भी जल्दी खत्म होगा। सही कहा, यही है क्वालिटी क्रुसेड। तो फिर दो मेरा टूल। कौन है? मैं एथिकेट, तुम्हारा दोस्त। तुम धक्का दे रहे थे? हाँ। क्यों? और कहते हो दोस्त हो? जानी, दोस्त वो नहीं जो गलत काम में साथ दे तुम्हारा। क्या 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 गलत है इसमें? आदमी फ्रेश होने के लिए सिगरेट नहीं पी सकता? एक चिंगारी ही काफी है एक भयंकर दुर्घटना के लिए। और तुम तो जानते ही हो कि ये पेंट शॉप है जिसमें आग बहुत जल्दी लग सकती है। देखो दोस्त, हमारे शौक जिंदगी से बड़े नहीं है और हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये कहता है कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे अपनी या अपने साथियों की सेहत या सुरक्षा के साथ समझौता हो। वाह, तो तुम सही कह रहे हो। क्या मजाक है? शुरू किसने किया? क्या मतलब? मतलब ये कि नशे में गाड़ी तुम चलाओ और मजाक मैं कर रहा हूँ? लो कर लो बात। वो है कौन? मैं एथिकेट, तुम्हारा दोस्त। साइड हो, गाड़ी चलाने दो मुझे। तुम खुद तो चल नहीं पा रहे, गाड़ी क्या खाक चलाओगे? जाना अपना काम कर, मुझे करने दे अपना। अपना काम ही कर रहा हूँ। हमारा सीओसी कहता है कि शराब या किसी भी दूसरे नशे की हालत में तुम प्लांट के अंदर नहीं आ सकते
ये तुम्हारे, तुम्हारे साथियों के और मशीनरी के लिए खतरनाक है। महिंद्रा में इस बात का ख्याल रखा जाता है ना, फिर तुम क्यों भूल गए? मैं एक दोस्त की पार्टी में चला गया था, उसे जबरदस्ती पिला दी। जानी, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो आपके साथ आपकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती कर सके। अब इसका क्या करें? अभी इसे घर छोड़ाओ, कल इसे सुपरवाइजर के पास ले जाना और सारी बात करना। आगे क्या करना है वो बताएंगे। ठीक है, शुक्रिया दोस्त। बात है, जो अपने मिस्टर क्या क्या है ना, उसको प्रमोशन हो रहा है। मिस्टर क्या क्या, वो कौन है? कौन? अरे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही। गले में खिचखिच है क्या? कौन हो तुम? मैं एथिकेट, तुम्हारा दोस्त। तुमने मेरी आवाज के साथ क्या किया? ऊपर से कह रहे हो तुम्हारा दोस्त। देखो, तुम प्रसाद की छोटी सी तकलीफ का मजाक बना रहे थे, तो मैंने सिर्फ तुम्हें गलत बोलने से रोका। वो एक होनहार वर्कर है, सिंसियर और इंटेलिजेंट। हाँ, वो पर हमसे अलग है। जानी, अलग तो हर इंसान होता है, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई गोरा, कोई काला, पर वो तो तकदीर की बात है। उसके ऊंचा सुनाई देने में उसका कोई हाथ नहीं है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। ये हुई ना बात, हमारा सीओसी यही कहता है कि जो अच्छा काम करता है उसकी तरक्की होती है। अलग जगह, अलग सोच और अलग योग्यता के लोगों के मिलने से ही महिंद्रा आगे बढ़ रहा है। तुम भी ये क्या क्या छोड़ो और आगे बढ़ो, मेरी बात को भूल ना जाना। क्या क्या? नहीं भूलूंगा। कौन हो तुम? मैं एथिकेट, तुम्हारा दोस्त। बड़े आए दोस्त, मुझे काम क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि तुम गलत काम कर रहे थे। क्या गलत? भोले मत बनो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये ऑयली कॉटन्स हरे वाले डस्टबिन में नहीं डाले जाते। लाल वाला भरा हुआ है, कॉटन इधर जाए उधर जाए क्या फर्क पड़ता है? देखो दोस्त, हमारा सीओसी कहता है कि हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। महिंद्रा में हम इस बात का ख्याल रखते हैं। अरे कचरा तो कचरा है, लाल हो या हरा। ऑयली कॉटन्स और लाल वाला कचरा अगर हरे वाले कचरे के साथ गया तो आसानी से आग लग सकती है, और इसके अलावा लाल वाला कचरा आसपास की जमीन और पानी को भी दूषित करेगा, जिसका नुकसान हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को उठाना पड़ेगा। इसीलिए उसे अलग रख कर अलग से नष्ट करना ही समझदारी है। तो आओ दोस्त, नेक काम में हाथ बटाओ, लाल वाला खाली करके सब इसी में डालते। जानी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।
पागल है क्या, अंधा है क्या? ए, अंधा किसको बोला? तुझे बोला, ये क्या कर रहा है? रुक, तू भी तो देख सकता था। अच्छा रुक, देख हम दोनों की गलती थी, ठीक है? दोनों की साला के मार दूंगा। अबे हाँ, के बच्चे बत्तीसी बार आ जाएगी। हाथ तो लगा के देखा, तेरी नानी याद दिला दूंगा। अच्छा अच्छा, तू ज्यादा चौड़ हो रहा है, ज्यादा चौड़ रहा है मेरे साथ। ये कोई तरीका है बात करने का? अबे तू है कौन? मैं एथिकेट, तुम्हारा दोस्त। चल साइड हो जा, इसकी एकड़ी भी काटता हूं अभी। तूने क्या दूध पीता बच्चा समझा के मुझे? अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ दोनों। देखो हमारा सीओसी कहता है कि हम एक दूसरे के साथ सही तरीके से पेश आएं और शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करें। महिंद्रा में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, और मारामारी करोगे तो दोनों को चोट लगेगी। बेहतर है शांति से बात को सुलझाएं और यहाँ का माहौल ना बिगाड़ें, ताकि सब मिलजुल के काम कर सकें। बात तो आप सही बोल रहे हो, दोनों से ही गलती हो गई, दोनों ही हड़बड़ी में थे शायद, दिखाई नहीं हमको थोड़ा सा। चलो गले मिलो। सुरेश हाँ, ये इधर हार्डवेयर का शॉप होगा क्या आसपास? क्यों, क्या लेना तेरे? कुछ टूल्स लेने हैं बाइक में रखने के लिए, इमरजेंसी टूल टेक। टूल्स? हाँ। क्यों? तू खरीदेगा? हाँ क्यों भाई, यहाँ पे इतने सारे टूल्स रखे, कोई भी है ले जाओ, कौन ही साहब पूछता है। अरे कैसी बात कर रहा है यार, चोरी है। एक दो पाने लेके चले जाना है यहाँ पे, वो मेरे घर पे देखा ना टूल बॉक्स, यहीं से। फंसोगे किसी दिन। बड़ा डरपोक इंसान हो यार तुम। हाँ हूँ डरपोक, गलत काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, साधु महात्मा हो तुम? हाँ हूँ साधु महात्मा। अरे लेके चले जाओ यार, इतना क्या कर रहे हो? अरे अरे नहीं करना मुझे यार ये चोरी वाला। अरे कौन हो? मैं तुम्हारा दोस्त एथिकेट, नाम तो सुना ही होगा। एक दोस्त गलत काम कर रहा है और टोकू तो बोलता है कि मैं डरपोक हूँ, ये अलग आए हैं दोस्त। मैंने सब सुन लिया है, तुम तो जानते ही हो हमारा सीओसी कहता है कि चोरी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार इत्यादि ना करें, और अगर किसी को करता देखें या उसके बारे में जानें तो सुपरवाइजर को जरूर बताएं। कैसे बताऊं दोस्त, और कंपनी में मुझसे पहले से। देखो दोस्त, महिंद्रा में गलत काम के लिए कोई स्थान नहीं, चाहे व्यक्ति कितना भी सीनियर हो। आगे क्या एक्शन लिया जाएगा उसे तुम्हें नहीं सोचना है, तुम्हारा फर्ज है कि उसे तुरंत रिपोर्ट करना। और अगर बदला लेने की कोशिश करी तो? जानी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, पहली बात तो तुम्हारा नाम गुप्त रखा जाएगा, और फिर भी अगर बदले जैसी कोई बात होती है तो उचित कार्यवाही की जाएगी। शुक्रिया, असल में मैं भी चाहता हूँ कि वो सही रास्ते पे आ जाए।